कैसे हो आप लोग? वापस आ गया हूँ मैं पार्ट टू का, इसका वीडियो का पार्ट टू लेके। जैसे कि मेरा उम्मीद था, बहुत लोग मेरा JSO का कट ऑफ देख के बहुत कुछ कमेंट किए हो, इम्पॉसिबल कट ऑफ एंड ऑल। जहाँ पे मैं फिर भी बता चुका था इन द वीडियो विद एडिटिंग कि 150 इज़ अ हाई स्कोर, वेरी हाई स्कोर। आप 120 या 110 पकड़ के ही चलो तो भी आप कट ऑफ क्लियर कर पाओगे। फिर भी बहुत लोगों ने कमेंट किया है कि 150 कैसे हो सकता है कट ऑफ, इवन आफ्टर माई सेइंग इट। बट एनीवेज, अब बढ़ते हैं जो थर्ड पॉइंट है, जो अदर कैटेगरी, जो अदर पोस्ट के लिए जो कट ऑफ मुझे जो लगता है जो होना चाहिए। अदर पोस्ट कितना कितना वैल्यूएबल है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे भी अदर पोस्ट से मिला था। मैंने भी कभी JSO भी नहीं दिया है, WO भी नहीं दिया है, लेकिन मुझे अदर पोस्ट में मिला था और मेरा इतना हाई मार्क्स था कि मुझे कोई भी पोस्ट 4600 का मिलता, बट मेरा स्टेट में नहीं मिलता। इसीलिए आई चोज 2800। अगर तुम्हें 4600 मिले तो ज़रूर लेना। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं यह भी बता देना चाहता हूँ, जो भी लोग मेरे से पर्सनल कोचिंग लेना चाहते हो, मैं लास्ट वीडियो में भी बता चुका हूँ, नीचे जो व्हाट्सएप नंबर है वो उसमें व्हाट्सएप करके तुम्हारा नाम, एज, जेंडर, कहाँ से बिलोंग करते हो, कौन सी एग्ज़ाम के लिए तुम्हारे कोचिंग चाहिए, वो पूरा एकदम डिटेल में बताना। पूरा बताना डिटेल में, अगर नहीं भी बताते हो सिर्फ अपना नाम पिंग कर देना, या कहाँ से कौन सी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो वो पिंग कर देना। बाकी आई विल गेट बैक टू यू, ऑब्वियसली फिर कम्युनिकेशन मैसेज में ही हो जाएगा। और मैंने जैसे लास्ट वीडियो में बताया था, मैं फिर से बता देता हूँ, मेरे पर्सनल कोचिंग में स्ट्रेटजीज रहेगा, मॉक टेस्ट का इवेल्युएशन रहेगा, गाइडेंस रहेगा, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ दैट ऑल मेंटरशिप रहेगा कि अगर तुम्हें कौन सी पोस्ट चाहिए, तुम्हें कौन सी मार्क्स में कौन सी पोस्ट मिल सकता है, मुझे क्या लगता है तुम्हें लेना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर पर्सनैलिटी, सब कुछ मैं जज करके तुम लोगों को एडवाइस करूँगा, ठीक है? तो इट वुड बी फैंटास्टिक इफ यू टेक पर्सनल कोचिंग फ्रॉम मी। बहुत लोग ले रहे हैं, तुम भी अगर इंटरेस्टेड हो मैसेज करो, पिंग करो ऑन दिस व्हाट्सएप नंबर, मैं तुम्हें बता दूंगा। नाउ कमिंग बैक टू द वीडियो, कैटेगरी यू आर SC ST OBC EWS फॉर अदर पोस्ट। यहाँ पे 4600 पोस्ट है, 2800 पोस्ट है, 2400 पोस्ट है। ये टायर टू टायर थ्री के मार्क्स के बाद फिर तुम लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा और 2400 पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट भी होगा। बट फिर भी अगर मैं पकड़ लेता हूँ, यू आर के लिए कट ऑफ गया था टायर वन में 132.37260, SC के लिए कट ऑफ गया था 100.93079, ST के लिए कट ऑफ गया था 93.75569, OBC के लिए कट ऑफ गया था 119.23278, और EWS के लिए कट ऑफ गया था 109.21110। ये है कट ऑफ फॉर द टायर वन। अब एक, जैसे मैं दूसरे वीडियो में बता भी चुका हूँ, एक केस एग्जांपल लेते हैं। किसी को अगर 135 मिलता है, पकड़ लो यूआर में 135 मिला है तुम्हें, प्लस मैं पकड़ लेते हैं ऑन द कंजर्वेटिव साइड कि तुम्हें एटलीस्ट 300 मिला है, 300 मिला है, अच्छा ठीक है, तुम बोल रहे हो 300 बहुत भारी है, ठीक है 290 मिलना ही चाहिए तुम लोगों को अगर टायर टू का कट ऑफ क्लियर करते हो। अगर फाइनल सिलेक्शन का बात आता है तो वो तो दूसरा ही बात है, बट 290 तुम्हें मिला है, प्लस मैं लीस्ट पकड़ के चलता हूँ 60 मिला है तो टायर थ्री में, तो यहाँ पे कितना हुआ, 350 प्लस 135 इज कमिंग टू अराउंड, कितना आ रहा है, 350 प्लस 135 485। अब 485 आ रहा है। अब तुम लोग मुझे बताना, 485 अगर तुम्हें मिले तो तुम्हें टायर टू में कट ऑफ क्या लग रहा है, क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। अब मैं जब बताऊंगा तो तुम लोग गुस्सा भी हो सकते हो, बट अकॉर्डिंग टू मी टायर टू कट ऑफ कैन रेंज फ्रॉम 490, ग्रीन में ही लिख देता हूं, टायर टू कट ऑफ फॉर यू आर 490 to 520, कंजर्वेटिव साइड में बता रहा हूँ क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ये बहुत हाई जाता है। तो फिर भी 490 to 520, SC के लिए 480 to 500, ST के लिए 460 to 480, OBC के लिए 505 to 515। ये आप, ये जो फिगर है OBC के लिए, ये आप करके 495 भी कर सकते हो, और EWS के लिए 492 to 513।
ये मेरा कट ऑफ प्रेडिक्शन है, मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, आई कैन बी रॉन्ग, फिर से बता देता हूँ, बट मुझे जो लगता है टायर टू का कट ऑफ पे इससे बीच में रहना चाहिए फॉर अदर पोस्ट. अब 4600 ग्रेड पे पोस्ट, 4200 ग्रेड पे पोस्ट, ये सब के लिए डिफरेंट डिफरेंट कट ऑफ आता है. फिर भी अगर मैं पकड़ लेता हूँ कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है और स्किल टेस्ट भी हो जाता है, फिर बहुत लोग भी ऐसे हैं जिसका रैंक बहुत हाई है. तो जिसका रैंक, जो भी कैटेगरी में अपना रैंक चेक करो, रैंक चेक करने के बाद AIR चेक करो. AIR चेक करने के बाद आफ्टर टायर टू, ऑब्वियसली अभी चेक कर सकते हो, लेकिन आफ्टर टायर टू यू कैन ऑल्सो चेक विथ रैंक IQ. AIR चेक करके अगर तुम्हें 1 से 100 के बीच में रैंक आ रहा है अपना कैटेगरी का, तो 4600 जो IT पोस्ट है वो टारगेट करना. लेकिन मुश्किल हो जाता है जो 500 से 1500 के रेंज में रहता है जिन लोगों का, उन लोगों को पोस्ट बहुत मिलता है, लेकिन मुश्किल जो हो जाता है वो है होम पोस्टिंग और कौन सी पोस्ट लूँ, मतलब 4600 लूँ, 4800 लूँ, क्या लूँ, ये सब में बहुत मुश्किल हो जाता है. तो उसके लिए एक और वीडियो में बात करेंगे, बट आज के लिए मैं यही बात बताना चाहता हूँ अदर्स कैटेगरी के लिए. अगर तुम्हारा मार्क्स 490 से 520 से बीच में है तो यू हैव हाई चांसेस ऑफ क्वालिफिकेशन. अब 30 मार्क्स का क्यों डिफरेंस है मैं फिर से बता देना चाहता हूँ. यहाँ पे ग्रीन जोन होता है, येलो जोन होता है, रेड जोन होता है. अब 490 के आसपास जिसको मिलेगा, मुझे लगता है वो रेड जोन में है, हो सकता है कट ऑफ क्लियर कर जाए, लेकिन मुझे लगता है उन लोगों का चांसेस कम है. अगर तुम्हें 500 अप मिला है बहुत अच्छा, अगर तुम्हें 520 से भी अप मिला है फ्रॉम UR तो बहुत अच्छा है, तुम्हारा फाइनल सिलेक्शन के लिए धीरे धीरे बढ़ रहे हो. और सिमिलरली SC ST कैटेगरी में अगर तुम्हें 470, 480, 490 के करीब मिला है बहुत अच्छा है, और अगर 500 के अप मिला है तो छोड़ ही दो. तो दिस इज माई कट ऑफ प्रेडिक्शन फॉर दिस ईयर CGL टैग 2. अब तुम नीचे जाके कमेंट करना, कमेंट में बताना कि ये मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ या कम बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोग बहुत कुछ बोल रहे हो इवन आफ्टर एडिटिंग माई वीडियो लाइक दैट. तो अगर ये वीडियो अभी तक देख रहे हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल. चैनल को सब्सक्राइब करना, यहाँ पे जो नीचे जो लिंक जा रहा है मेड फॉर SSC का फेसबुक, इंस्टा, टेली, वहाँ पे जाके फॉलो करना, DM करना, अपना डाउट्स पूछना. एंड ऑब्वियसली मेरा म्यूजिक लिंक है, नया नया गाना दे रहा हूँ तो वो म्यूजिक लिंक ज़रूर चेक करना इफ़ यू आर बंगाली, देन इट्स अ मस्ट फॉर यू. एंड जो बहुत ही बढ़िया बात है, जो बोलना ही चाहिए, पर्सनल कोचिंग चाहिए, नीचे व्हाट्सअप नंबर है, डिस्क्रिप्शन में भी है, आ जाओ, आके मुझे बता दो, बहुत ही अच्छा होगा वो पर्सनल कोचिंग, ठीक है. और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कर देना. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस. तुम बता देना कौन सी चीज़ पे तुम लोगों को वीडियो अभी चाहिए. CGL 19 का क्या चल रहा है मुझे भी पता नहीं चल रहा है, अगर मुझे नॉलेज मिल जाए तो मैं तुम लोगों के साथ जल्द से जल्द शेयर कर दूंगा. अंटिल देन, फॉर द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय, ऑल द बेस्ट, कीप प्रिपेयरिंग हार्ड, कीप योर मेंटल कंडीशन ऑल राइट, एंड मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस. टाटा, गुड बाय, सी यू.